ओके मैं शादी बोलाओ। हाँ नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं, नमो वत्सायानं नमो नमो लोये सौवसाहुणं। लोये ऐसो पंच नमुक्कारो सो पंच नमस्कारो कौवपावप्पणासनो सर्वपावप्पनासनो मंगलानं च सौवेसी मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कोई प्रश्न किसी को कोई प्रश्न पूछना है? हाँ मैं पूछ सकता हूँ। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। वो आपको मैंने व्हाट्सएप में भेजा एक पोस्टर है माटे आत्मा बनी जा भी आया था मैंने आपको फॉरवर्ड किया। माटे आत्मा भणी जाओ। आ जगत मां कोई एवो જન્મ્યો જ નથી કે જે તમારું નામ દે, અને નામ દેનારો હશે તેને તમે લાખો ઉપાય કરશો તો તમારું કશું વળવાનું નથી। માટે કઈ બાજુ જવું હવે? લાખો ઉપાય કરવામાં પડી રહેવું? ના, કશું વળશે નહીં। માટે બધા કામ પડતા મૂકી આત્મા ભણી જાઓ। એ એસા કોઈ કિસી કા જન્મ નહીં હુઆ કે આપકા નામ દે, આપકા કોઈ બિગાડ દે, કોઈ નામ આપકા કોઈ એસા કોઈ હૈ નહીં એસા। અને કોઈ આપકા નામ દેતા હે તો કોઈ લાખો ઉપાય કરો તો ભી કુછ હોગા હી નહીં। माटे आपको कहाँ कहाँ बाजू जाना है? लाखों उपाय में पड़ रहना है तो कुछ उसका इलाज ही नहीं है। तो सब काम बाजू पे रखो और आत्मा बनी जाओ। यानी कि आत्मा बनी जाओ यानी कि मैं शुद्ध आत्मा हूं जो दादा भगवान ने ज्ञान दिया, वो हाँ स्वरूप में रहो। जाने अच्छा का यानी कि बनी जाओ, शुद्ध आत्मा बनाए तो शुद्ध आत्मा होके रहो। बनी जाओ ये गुजराती का ऐसे शब्द बोलते हैं ना कि तरफ तरफ जाओ उसके तरफ की तरफ उसकी जाओ। तो हाँ, यानी कि बोलते हैं ना कि भाई पांच आज्ञा आपको दी है तो पांच आज्ञा उसमें पालन करने के बाजू जाओ, अच्छा वो बाजू जाओ। लाखों उपाय के बाजू मत जाओ। एक ही उपाय दिया है, मैं निश्चय निर्णय से मात्र शुद्धात्मा हूं। उस एक ही उपाय है, जो उपाय नहीं बोलते वो तो दरअसल आपका स्वरूप है। और वो जो लाखों उपाय है वो रिलेटिव भाग है, ये रियल है, अपना अविनाशी है। जो जनन मरण से मुक्त ऐसा अविनाशी शुद्ध आत्मा है, कितना भी उपाय करो वो रिलेटिव है और ये शाश्वत है, कायम का है, तो अविनाशी। ये जो बोलते आने नाम देनारो हशे तमे तेने तमे लाखों उपाय करशो तो ये तमारो कशो वड़वानो नथी हाँ तो वही। हाँ तो उसमें क्या समझना है आपको?
उसमें ये मतलब ये समझ आ रहा है कि इसमें मतलब कि अगर कोई आपका कोई कोई बिगाड़ेगा तो आपको वो बिगाड़ने वाला होगा, ऐसे कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बिगाड़ने वाला होगा तो आपको कोई फिर आप फिर उसको जो है बदल नहीं सकते, बलवान बलवानु नथी। हाँ तो उसमें कोई बताते हैं आपका हिसाब हो तो लाखों उपाय करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अच्छा, हिसाब के हिसाब से चलेगा। हिसाब होगा तो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते, और हिसाब है तो लाखों उपाय करेंगे तो भी कुछ होगा नहीं। समझ गया। अच्छा बुरा जो भी है अपना हिसाब है, मगर ये सब रिलेटिव है। तो आप शुद्धात्मा हो जाओ, आत्मी की ओर जाओ, उस तरफ जाओ, बनी जाओ, यानी कि शुद्धात्मा के ओर जाओ, यानी कि आपका स्वरूप में ही स्थिर स्थिर हो जाओ, उसमें आगे बढ़ो। और पांच आज्ञा वही अपना शुद्धात्मा है, वही दादा भगवान है, उसको पकड़ो। उपाय में कितना भी करेंगे वो रिलेटिव भागे, और वो उपाय वो व्यवस्थित के अधीन अपने आप होगा उपाय, मगर ये उपाय पुरुषार्थ वाला है। शुद्धात्मा की ओर जाना उपाय वो पुरुषार्थ बोलते हैं, दूसरे रिलेटिव जिसको सब उपाय बोलते हैं, रिलेटिव चीज को कमाना है, मकान बनाना है, कुछ भी एसेट बढ़ाने की है, तेरी मेरी करने की है, कुछ मान प्रतिष्ठा, सब रिलेटिव चीज है, समझ और वो आया। अब हिसाबी है। एक और दीपक आनंद जी, वो आप निकाल सकते हो, वो जो है, तो संतोष आनंद जी ने बताया, एक मान महीना सुती चेत्राय चेत्राय, वो अक्रम विज्ञान तो ये हाँ मान लेता हूँ, चलता आप है, पेज 8 में है। एक महीना सुदी क्षेत्राय क्षेत्राय करे तो धीमे धीमे बुद्धि नू चलन ओछू थई जाए। तो उसमें क्या आपको बता है क्षेत्रा, यानी कि क्या ये क्षेत्र है, मतलब कि कोई हमको मतलब धोखा देता है, कोई हम किसी को धोखा देते हैं तो धीमे धीमे बुद्धि का चलन कम होता जाएगा। ये थोड़ा सा चलन कम होता जाएगा, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? बुद्धि खत्म हो जाती है उसका चलन, यानी कि उसका जो पावर है हाँ चलन पावर उसका, तो ये बुद्धि अहंकार के वजह से बुद्धि है। बुद्धि का प्रकाश जैसे अहंकार ऐसी बुद्धि अपनी, अहंकार नरम हो जाता है तो बुद्धि नरम हो जाती है, अहंकार स्ट्रांग तो बुद्धि स्ट्रांग होती है। तो जैसे जैसे अपने अपनी बुद्धि का जो क्षेत्र ना, यानी कि सामने वाला दादा भगवान, पूरी जिंदगी में हम क्षेत्राए, किसी को चीटिंग नहीं किया, हम खुद क्षेत्रा गए, यानी कि जो भी कुछ आते थे लोग अच्छे बुरे बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो हमारी बुद्धि हम जान बुझ के क्षेत्र आते थे, यानी कि बुद्धि वापरते नहीं थे कि अपनी। क्षेत्राय मतलब कि दूसरे हमको धोखा दे कि हम बुद्धि से हम। वो दूसरे लोग हमको धोखा देने की, यानी कि हमको छेतराना, और हम दूसरे को धोखा देना है कि हम उसको चीटिंग करते। ये सूत्र में मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये क्या, ये जो बोल रहे हैं, एक महीना सुधी क्षेत्राय क्षेत्राय, मतलब कि कोई हमको धोखा दे कि हम दूसरे हमको को धोखा दे। तो हम दूसरे की धोखा देने की तो बात हो ही नहीं होती है। अच्छा ये ज्ञान के बाद हम दूसरे को कुछ भी धोखा की बात तो क्या, किसी को दुख देने की बात नहीं होती है। हाँ धोखा देना यानी कि दुख देना, चीटिंग करना, कुछ भी अपनी शार्प बुद्धि से, अभी ये जगत में क्या होते हैं चीटिंग, अपनी शार्प बुद्धि से दूसरे को हम चीट करते, यानी कि धोखा देते हाँ में आया, धोखा तो इसमें देने वाली बुद्धि है। क्या कहते हैं, कोई हमको एक महीना चीट करे तो हमारी बुद्धि जो है कम हो जाएगी, ऐसा बोलना चाह रहे, समझ नहीं आया। हाँ ऐसा ही बोलना चाहते हैं ना दादा, पूरी जिंदगी हाँ एक ना सुधी छेत्राई छेत्राई करे तो धीमे अच्छा धीमे बुद्धि नु चलन ओछू थई जाए। अच्छा तो मतलब हाँ बुद्धि को ऐसे लगता है कि अभी हम उसका चलेगा नहीं, इसलिए वो उसका चलन कम हो जाता, उसको ऐसे वो शांत हो जाती है, ऐसा ऐसा है। हाँ ऐसा है, ऐसा है ये। अच्छा हाँ तो दादा भगवान बोलते हैं अभूत दशा है हमारी,
मतलब कि अगर वो जब तक उसको कोई चेतराता नहीं है तो उसको लगता है कि मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, मेरा तो सब चल हाँ जाएगा। हाँ ऐसा है ऐसा है, बुद्धि के वजह से तो छेतराता नहीं है वो, तो बुद्धि। वो बता हाँ रहे थे कि ये एक मतलब एक तरह का बुद्धि को शांत करने का उपाय हाँ है ये। हाँ हाँ उपाय उपाय ये मुझे लेकिन कोई बोलते हैं आपको दादा, कोई किसी को दादा भगवान बोलते थे आपको, आप ऐसे हैं तैसे हैं आप गद्दे हैं, तो दादा भगवान क्या जवाब बोलते थे, हम तो गद्दे से भी छोटे, तो आपको कोई देखिए गद्दे बोले तो क्या होगा आपको। हमारे को पता नहीं शायद, मतलब हमारे को ये बुद्धि का उपाय कब करने वाला, ये कैसे करें हमारे को ये बनेगा ये जो हमारे से हाँ बनेगा, धीरे धीरे होगा ने, हाँ कोई देख आपको गाली बोले आपका अपमान करे हाँ तो ये बुद्धि, तो धीरे 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 बुद्धि का चलन कब कम होगा। मैं सबसे छोटा हूँ, दादा ने बताया ना कि मैं गद्दे से भी छोटा हूँ। नहीं, गाली देना तो ठीक है लेकिन ये चितराने की बात करता है, कोई हमको चितराए जो है तो वो महात्मा ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं ऐसे, आप बताइए। हाँ तो वही आत्मा तो बात की बात है, वो आत्मा तो अलग ही है, ये व्यवहार की बात है, ये नहीं, मन बुद्धि चीज। महात्मा ये दादाजी आपने बताया, दादाजी जो है आपने खुद चितराते थे, लेकिन हाँ, महात्मा ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। महात्मा महात्मा, हाँ महात्मा कर सकते हैं ना, धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। दादा भगवान पूरी जिंदगी में क्षेत्राई क्षेत्राई हुआ है ना, खुद अपने को सामने वाला कुछ भी बोला आप दादा भगवान कहलाते हैं, ये भगवान कहलाते हैं, कितना भी आया उनके जीवन में मुझे ऐसा कितना। लगता है कि ये ऐसा चेतराने का संयोग जो है जब आएगा तो आएगा, तो उसमें हम अगर मतलब अपना आज्ञा में रहेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा, जो ऐसे लगता अपने आप हो जाएगा, आज्ञा तो मुख्य चीज है, जब आप शुद्धात्मा हो गए तो जो भी आता है कश्यप भाई को आता है, और कश्यप भाई वो इनका हिसाब है, हिसाब ये है। शुरुआत हो जाएगी, हाँ मगर आप उसको एक्शन का रिएक्शन नहीं देंगे, और आप लघुतम भाव यानी कि मैं सबसे छोटा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, आप बड़े हैं मैं बहुत छोटा हूँ, लघुतम भाव ये है इस तरह से रहने का। जो है कोई ऐसा भी सोच सकते हैं इसको पढ़ के कि मतलब कि खुद सामने से जो है अपने को चितराना जो है, अपने को हाँ धोखा दिलवाना है, वो वैसा नहीं, जो संजोग जैसे आए उसका सामना हाँ कर। और संजो के हिसाब से मैं कुछ जानता नहीं हूँ, आप बहुत बड़े हैं और मुझे कुछ आता नहीं है, कोई किस कैसे भी आवे है उसको बड़ा बना देने का, अपने लघुतम हो जाने का, मुझे आई एम समथिंग निकाल देने का, जो रिलेटिव भाग को तो ऐसा जीरो करने का है, बुद्धि को जीरो करने का है, वो एकदम नहीं आएगी। तो दादा भगवान इनकी लाइफ में ऐसे जी गए, हाँ, वो अपने अपना उसको लक्ष्य में रखने का है, करने लक्ष्य में रखते हैं। का नहीं है, खाली समझदारी डेवलप करने की है, कि समझदारी सामने वाला अटैक करने आए तो आई एम सॉरी मेरी भूल है, अपनी भूल नहीं है तो भूल की क्षमा मांगेंगे ने, तो आप ये शुरुआत हो जाएगी। हाँ अगर आपने ऐसा बोला तो मैं, मेरी भूल नहीं है, आपने पहले बोला था तो मुझे आपको बोलना पड़ेगा, ये सब बुद्धि का भाग है। दादा बोलते हैं कि अपनी भूल नहीं है तो भी सामने बोलते हैं कि भूल है तो एक्सेप्ट करते, वो सबसे बड़ी बात है छेत्राने की, हाँ सही बात, भूल नहीं है तो भूल को एक्सेप्ट करने का। कोई अगर भूल बता रहा है तो इसका मतलब भूल है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कोई हाँ बता रहा है तो समथिंग गोइंग रॉन्ग विद इन अस, बोलेगा नहीं तो कोई बोलेगा नहीं ने, नहीं, हाँ इसको टाइम है। हमारा हिसाब है इसलिए दूसरा भूल रहा है। हाँ तो हम भूल को एक्सेप्ट करते, वो सबसे बड़ी बात छेत्राने की है। जय धन्यवाद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। ओके अनु जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इसका अर्थ क्या है? सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख।
सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख, जो सिद्ध भगवंतों को सिद्धेश्वर बोलते हैं, और शिल्पी सन्मुख इनकी वो सिद्ध भगवान के गुण है, वो अपनों इनको नमस्कार करते सिद्ध नमो सिद्धाणम। वो शिल्पी है, सन्मुख है, यानी कि वो सिद्ध भगवान तो ऐसे नमस्कार करते हम। शिल्पी यानी कि शिल्पकार होते हैं ना, जो गढ़ते मूर्ति को, वो शिल्पी बोलते हैं। सिद्ध भगवान को स्वयं अपने उनको नमस्कार करने से हम खुद ऐसे वो मूर्ति की तरह से, शिल्पकार की तरह से हम सिद्ध गति में जाने का गुण प्रकट होता है। सिद्धेश्वर भगवान समझ में आया थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत समझ में, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। ये क्या है, शिल्पी शिल्पकार का जो मूर्ति गढ़ने वाला शिल्पी बोलते हैं। अच्छा, तो ये सिद्ध भगवान ऐसे है, इनका गुण धर्म ऐसे है, इसलिए तो नमो सिद्धाणम रखा है कि हमें भी उधर सिद्ध गति में जाना है। वो सिद्ध भगवान तो अपने वो जो जब महावीर भगवान थे तीर्थंकर, उधर वो सिद्ध भगवान में गए, मगर वो क्या करते थे 24 तीर्थंकरों, जो बूढ़ात्मा को जीवात्मा को वो शिव बनाते थे, शिल्पकार बोलते है, ज्ञानी पुरुष वो शिव स्वरूप है, तो अपने को ऐसे घड़ामण करते जैसे एक शिल्पक शिल्पीकार कैसे ये पत्थर में से मूर्ति बनाते, वो शिल्पीकार ही बना सकते है ना, कारीगर होते शिल्पीकार, जैसे कारपेंटर मिस्त्री को कारपेंटर बोलते है ना, वो घड़ाने वाला वो शिल्पीकार बोलते है, पत्थर में से मूर्ति करते हम पत्थर जैसे है। अब बूढ़ात्मा से जीवात्मा बनते, जीवात्मा से परमात्मा में बनाते, ऐसे शिल्पीकार तीर्थंकर भगवंतो जो मोक्ष से गए उनका ऐसा ये अभी सिद्ध गति में है, वो तीर्थंकर सभी तीर्थंकरों वो सिद्धाणम शिल्पीकार सिद्ध भगवान को ऐसे अलंकारी भाषा में ऐसा बताया, उनका गुण बताया, डिटेल में ऐसा है। सिद्धेश्वर नीरावरणी व्यक्त आत्मा, पूरा भजन, ये पूरा भजन ब्यूटीफुल भजन है। ये कौन सा है? ये विश्व में सुख और शांति फेवरेट भजन। नीरावरणी व्यक्त आत्मा, सभी आवरण को निरावरण करते है ऐसा व्यक्त आत्मा, ऐसे भगवान बोलते है कि सभी आवरण को आपको ज्ञान देने के बाद हटा देते है। आवरण की जो 8 प्रकार के कर्म है, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय, ये सब कर्म हटा देते आवरण, जैसे सूर्य नारायण पे बादल आता है ना, तो बादल ढक जाता है, बादल से सूर्य नारायण ढक जाता है, दिखता नहीं है, उसका सही प्रकाश नहीं आता है। तो कर्मों के आवरण से जो अंदर व्यक्त आत्मा तो है, तो कर्म उसको ढांक देता है, वो निरावरण करने वाला है, ये आवरण को मुक्त करने वाला है, यानी का ये ज्ञान है, प्रकाश है, उनकी सिद्धि है। तो व्यक्तात्मा करते हैं, आवरण को हटा देते हैं, तो सूर्यनारायण का प्रकाश व्यक्तात्मा हो जाता है, सुबह दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है, प्रकाशमान होता है। इसे जब लास्ट में सिद्ध गति में जाते निर्वाण होता है, तब उसका ब्रह्मांड में प्रकाश फैल जाता है आत्मा का, निरावरण सभी आवरणों से मुक्त होता है लास्ट में, तो ऐसा व्यक्त आत्मा है। आत्मा का इतना का पूरा ब्रह्मांड में प्रकाश व्याप्त हो जाता है, इसलिए उसको बोलता है ना छिल्ला, जो उसका निर्वाण बोलते भगवान को, निर्वाण बोलते मृत्यु नहीं बोलते, अब मृत्यु हो गया ऐसा नहीं बोलते, निर्वाण निर्वाण महावीर का निर्वाण हुआ, व्यक्त आत्मा संपूर्ण अंशे करके दादा भगवान को भी 1995 आत्मज्ञान हुआ सूरत के, तो आत्मा निरावरणी हो गया, व्यक्त हो गया आत्मा, आवरण पूरा आवरण से आत्मा जो ढंका था इतना से, तो 1958 में ज्ञान हुआ आत्मा
व्यक्तात्मा हो गया, निरावरणी व्यक्तात्मा, आवरण सभी आवरण से ये व्यक्त हो गया, आत्मा व्यक्त हो गया, प्रकाशमान हो गया। कौन सा आत्मा? ज्ञान प्रकाश। पूरे ब्रह्मांड में जाके आए, बताए ना, जब ज्ञान हुआ तो हम पूरे ब्रह्मांड में जाके आए और देख के आए, सूर्य चंद्र रात दिन सभी 15 क्षेत्र, महाविदेह क्षेत्र, सिमंदर स्वामी, सब आत्मा का गुण व्यक्त होना है, प्रकाश होना है, जो प्रकाश में सब उनको पूरा सारा ब्रह्मांड दिखा, निरावरण हो गया, एक भी परमाणु उसको बाकी ना रहा आत्मा के ऊपर। तो हमें भी ये व्यक्तात्मा हमें प्राप्त हुआ है, मेरा भी आत्मा उससे करके निरावरण हुआ। फिर सर्वान से बोलते ने 360 डिग्री हमें केवल ज्ञान हुआ मगर 4 डिग्री डाइजेस्ट हुआ, पचा नहीं। तो आपको ज्ञान मिला तब तो आपको 300-350 डिग्री पहुंच गए आप। फिर जैसा आपका 5 आज्ञा का पूछा तो संपूर्ण निरावरण हो जाएगा। आवरण निकलता 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 निरावरण यानी कि कंप्लीट आवरण से होगा। समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। और ये पश्चिम पूरब सूरज हो निष्पक्षी है किरण आत्मा। हाँ, जैसे सूरज है ना पूरब पश्चिम जहां भी प्रकाश, सूरज का प्रकाश पूरा वो निष्पक्ष पाती है, ये झोपड़पट्टी में हम प्रकाश नहीं देंगे पैसा। हाँ, 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 समझा समझा, मतलब जहाँ भी सूरज होता है वहां पे निष्पक्षी होते हैं। निसंशय और महेश्वर, निसंशय और महेश्वर प्रफुल्लित स्वानंद उदय कर। तो संशय जो है ने जी, शंका कुशंका वो संशय बोलते, वो सभी आत्मज्ञान के बाद आपका सभी संशय दूर हो जाता है, शंका कुशंका वो दूर हो जाना, निसंशय होते। और ओम महेश्वरा, महेश्वरा ने शिव स्वरूप, ओम बोलते ना पांच, ये पंच नमस्कार को शॉर्ट में ओम बोलते, हमको प्राप्त हो जाता है महेश्वरा। तो ये पंच क्या है? पंच ओ नमो अरियंताणाम नमो सिद्धाणाम का शॉर्ट ओम, पंच परमेश्वर को शॉर्ट में ओम बोलते ओम। ओके ओके। प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा शुद्ध अंत स्थल की जगमग जो केवल ज्ञान में स्थिर करना, ये विश्व में सुख और शांति दो, भव भय बंजन मूल शरण, आपस में कटते जन्म मरण, जब आया अंतिम आयु हाँ तो सुचरणों में ले लेना। ब्यूटीफुल, बराबर समझ में आया पूरा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बराबर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। थैंक यू अनुबेन, थैंक यू अभिबेन। जय सच्चिदानंद महेश आनंद जी, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद महेश जी। जो नव ग्रह नहीं दादाजी ने बताया कि अपने अंदर ही है ये सब नव ग्रह, पूर्व ग्रह, मताग्रह, अभिग्रह, तो उसमें एक जो कदाग्रह करके भी कुछ आता है ना, कदाग्रह वो क्या बताता है? कदाग्रह मतलब कदाग्रह, मताग्रह, दुराग्रह, हाँ वो सब क्या आग्रह है, पकड़ पकड़ हाँ, से ने? हाँ हाँ वो खोटी पकड़ पकड़ से आप बराबर सही पकड़ पकड़ते ने वो सत्याग्रह बोलते, मगर आप बुरी पकड़ पकड़ के आपकी मन मानी चलाते उसको कदाग्रह। अच्छा, मन तो उसमें कोई दम नहीं है, उसमें कुछ दम नहीं है, अपनी बुद्धि से मानते हम सच है वो सत्याग्रह में क्या होता है, थोड़ा हम सच होते पूरे पूरा सच होते, पर सत्य का भी आग्रह छोड़ दो, वो विनाशी है, रिलेटिव है। तो कदाग्रह में तो क्या है, आप है गलती वाले और अपने आप को साबित करने वाले कि मैं सही हूँ, उसको कदाग्रह बोलते हैं। सत्याग्रह में तो आप सत्य का आग्रह है, आप तो सही है और बोलते कि मैं सही हूँ, आप तो बुरे हैं, अच्छा। गलती किया है मगर आप अपने गलती को ढांक देते हैं और आप बता नहीं जाते कि सही हूँ, उसको कदाग्रह बोलते हैं।
बराबर है, बराबर हाँ। ये देखिए अत्याग्रह मत्याग्रह दुराग्रह पुराग्रह हाँ, ये सब में ये जो परिग्रह तो समझ में आता है, अभिग्रह अभिग्रह में थोड़ा बताइए। अभिग्रह यानी कि अपने पुरा का अभिप्राय जो होता है वो उसकी मान्यता आगे से जो चली आती है उसका बोलते है, वो सच है, उसको जो गाढ़ हो जाता है उसको अभिग्रह बोलते। अभी यानी कि पहले की आग्रह पकड़ जो पकड़ रखे है उसको हम वो मान के चलते। दादा भगवान ने बोला कि यंग जनरेशन है अभी, तो अभी यंग जनरेशन आपके पुराने विचार वाले है, अभी नई जनरेशन में एडजस्ट हो जाओ, माँ बाप को नई जनरेशन में एडजस्ट होना है। हाँ अभी नई जनरेशन हेल्दी माइंड है, अपने माँ बाप कहते हैं कि भाई हम जैसे जिए है वो अभिगम रखते है, मेरे हिसाब से आप चलो ऐसा अभिग्रह रखते, वो अभिग्रह छोड़ दो। अभी बच्चे लोग ऐसे हेल्दी माइंड है, वो जनरेशन आपकी जनरेशन में जो भी कायदा कानून है जो भी ऐसे जिए है उस इस तरह से आपको बच्चे को जीना ऐसा अभिगम रखते, नहीं तू तेरी मन की छोड़ ये अभी ये तेरे मन से चलने का अभिग्रह छोड़ दे, इनके पुरानी बातों से पुराना रीत रिवाज से हम अपने बच्चे को नई पीढ़ी को चलाने सिखाते। और जूनी पीढ़ी अलग है, नई पीढ़ी अलग है, जूनी पीढ़ी का विचार अलग है, नई जनरेशन का विचार है, तो पुराना अभी वो अभिग्रह छोड़ दे, पुरानी मान्यता चल के हम पकड़ रखते वो अभिग्रह बोल, मान्यता पुरानी हो गई, वो जनरेशन गैप बोलते ना, जनरेशन गैप हाँ, जनरेशन गैप हाँ, वो जनरेशन गैप की बात है। अभी ग्रह छोड़ दे, पुराना जो हो गया उसका तू आग्रह रख के अभी नया से तू अभी तू वो उसका अभी ग्रह मत रख। बराबर और हाँ, मताग्रह तो समझ में आके अपना मत सब जगह पे और रखना के मेरा ही व्यू पॉइंट राइट होना, यही मताग्रह ना। हाँ बराबर एग्जैक्टली। और पूर्वग्रह मतलब कि जो पहले किसी का हो गया, किसी के साथ व्यवहार हो गया वो आज भी याद करना हो याद को। करना वो नोंद में आता है ना पूर्वग्रह मतलब। हाँ नोंद में बराबर ठीक है, ये समझ में आया। हाँ और एक पूछू। महेशान जी, हम लोग खाना खाते वक्त जो आहार लेते वक्त जो बताया है कि ऐसा बोलते हैं कि आहारी आहार करता है और मैं निराहारी शुद्ध आत्मा मात्र तेने जो छू अने जानू छू, तो वो तो एक दो मिनट तक रहता है फिर नहीं भी रहता है। तो इसमें एक प्रश्नकर्ता ने दादाजी को पूछा था कि दादाजी आहारी आहार करे थे ऐसा निरंतर तो रहता नहीं है और खाने में तन्मयाकार जैसा हो जाता है, तो दादाजी ने ऐसा बताया कि भले हो गया तो हो जाने के बाद भी क्या तुम तो खाना खाते नहीं हो, वो तो आहारी आहार नहीं मतलब पुद्गल नहीं पुद्गल को ग्रहण किया, पुद्गल नहीं पुद्गल को खाया, तो यहाँ पे भले ऐसा हो भी गया तो उससे ऐसा तो नहीं है कि हमने खा लिया मैंने खाया ऐसा तो होगा नहीं। तो इसी संदर्भ में हम जब ऐसा बोलते हैं ना कि कहीं पे मेरा देखने का चुक गए बराबर, कि सारा दिन में हमारा देखना जहाँ जहाँ पे हमको जो देखना था दिव्य दृष्टि से प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में देखना था वहां पे हम चुक गए, तो चुक गए तो उसका मतलब वो तो नहीं कि हम वो क्रिया में क्रिया कर गए, हम तो अकर्ता में ही है, तो तन्मयाकार हो गए वैसा भास होता है लेकिन हुआ नहीं, तो वहां पे क्यों ऐसा बताया दादाजी ने कि तो भी आपको ये वापस देखना ही पड़ेगा। वहां पे ऐसा नहीं बोला कि कोई बात नहीं अगर चुक भी गए नहीं दिखा तो आप तो कुछ करता तो हो ही नहीं अभी करता अकर्ता ही हो, तो कोई भी क्रिया में करता तो है नहीं, लेकिन तन्मयाकार हो जाने का जो भाष्यमान परिणाम होता है तो वहां पे वो जो 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 संजोग आता है क्रिया आ रही है आपके सामने उसमें आपको देख के सिर्फ साइन करना है और जहां जहां साइन नहीं हुई तो वापस
बस वो आएगा आपके सामने और आपको साइन करना पड़ेगा, तभी वो क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये देखने का जो पुरुषार्थ है यहाँ पे, और खाने पे जो बोला है वहां पे, कितना हम लोग क्लियर है कि खा तो लेते ही नहीं है हम, तो भले ऐसा हुआ भी कि आहार या कर दिया, तन्मयाकार भी हो गया, तो हुए तो नहीं है। तो यहाँ पे ये जो दृष्टि चूक जाते हैं, तो यहाँ पे क्यों गंभीरता, बताइए। गंभीरता ऐसा है, खाने में तो हम जानते हैं, मेरी जागृति भी है, एक बार बोला तो अंदर से समझ पीट हो गई कि खाने वाला आत्मा नहीं है, खाने वाला पुतल है। और खाने में दादा और भी बताते, आप एक चीज की हाजिरी में खाना है, रहता है नहीं रहता है अलग बात है, उपयोग पूर्वक खाना है, क्या है, नमक डाला है, कम है, राई का वगैरह है, जीरा का है, जो मिर्ची है, तो क्या क्या डाला है, जैसी समझ में आवे इतना, यानी कि आपके चित्त की हाजिरी में खाना है, जो भी कुछ करो चित्त की हाजिरी में, नहीं बोलते वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो, और चित्त की हाजिरी यानी कि वर्तमान में रहो, तो जो भी अम्मी बहन क्रिया करती है वो हमेरी नहीं है, अम्मी बहन की है, तो जानो, जानने का, अगर चुक गए पर आप वो क्रिया चुक गए जानने का, पर बाद में मालूम पड़ता है कि मेरे को देखने का रह गया हाँ, तो मालूम पड़ा, खुद को मालूम पड़ा तो हाँ। देखने वाले को ही मालूम पड़ा, हम पैसे गिनते एक नोट कम हो गई कि एक ज्यादा आ गई, तो गिनने वाले को मालूम पड़ेगा ना, गिनने वाला वो मैकेनिक काम करेगा, मगर आत्मा की हाजिरी है तो उसका ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, जानने का देखने का वो है, स्वभाव चेतन है, तो हमें जानकारी गुण है, जानने वाला है, देखने वाला है, वो अमीबेन नहीं है। हाँ। गाड़ी जैसे अमीबेन एक गाड़ी है, जैसे हम कार ड्राइव करते हैं, तो गाड़ी को ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, तो गाड़ी चलाने वाला अंदर उनका ज्ञान है, उसकी तरह से ये अमीबेन एक कार है, घर है उसका, घर में रहने वाले हम है, जैसे गाड़ी में बैठने वाले हम है, तो हमेरी जानकारी तो होनी हो, बिना जानकारी तो हम आगे चढ़े जाएंगे, अरे 5 माइल आगे चले जाएगी, ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको वापस आना पड़ेगा। चले ना भी आपका अम्मी बहन का देखना रहना चुक गया तो आप वापस आना, यानी कि प्रतिक्रमण करने का, बराबर इस तरह से एग्जांपल दिया आपको, ड्राइव करते हैं तो इसमें गलती के गाड़ी की गलती है कि गाड़ी में बैठने वाले की हाँ, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा ना, जहाँ गांव में पहुंचना है, हम आगे दूसरे विचार में खो गए तो वो टन चला गया, हम 10 माइल आगे निकल गए, फिर मालूम पड़ा किसी ने बताया, पूछा रास्ता, तो आप आगे आ गए 10 माइल, तो 10 माइल पीछे हटना है ने? हाँ, बराबर, वापस पीछे हटना है। बहन की गलती को देखना, उसको जानना, उसके पास प्रतिक्रमण कराना, वो पूछा जानना क्या है, अम्मी बहन क्या करती है, उसको जानने का, देखने का, और उसको इन डिटेल जानने का, देखना और जानना, इससे छुट्टापन का अनुभव खिलता जाएगा। एकाकार तो होने का सवाल ही नहीं है, दादा ने अलग कराया फिर एकाकार तो होता नहीं। जाना ने आप गलती को जाना, फिर प्रतिक्रमण के उतारा, सबसे बड़ी जानने का, अम्मी बहन की गलती को पहचानने का, वो सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान है। मौत हो गई, कितनी डिप्रेस हो गई, कितनी रघवाट किया, उतावल किया, अम्मी बहन कहाँ विचार में खो गई, कभी कभी क्या विधि करने के टाइम विचार में खो जाते हम। तो जाना हमने, अम्मी बहन खो तो खुद कैसे जानेगी, हाँ खुद नहीं जान सकती है। गाड़ी खुद
हम चलाते, हम जानते, पर हम खुद सो गए, यानी कि रास्ते का जो सही रास्ता हम भूल गए, चूक गए, तो गाड़ी आगे चली जाएगी ना। आपका आवाज बंद हो गया, हमें भी स्टैंड स्टिल हो गया। दीपक आनंद, 1 मिनट वीडियो बंद करो तो आवाज आएगी शायद। उनका कुछ आ ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा, तो दूसरा ले लो पीछे के पास, कुछ स्टैंड स्टिल हो गया। नेट नेट ओके पढ़ना में लगा। આપણે અરીસા ની સામે ઉભા રહીએ છીએ, આપણે અરીસા કે સામને ખડે રહેતે क्या होता है, क्या होता है? आईना, अरीसा, आईना, मिरर, मिरर, हाँ, देखा है। वो दिखने का नहीं, अब दे, अब वो अरीसा के प्रतिबिंब पड़ता है। हाँ, वो कुछ करना नहीं पड़ता है, आईना के जैसे खड़े रहो। हाँ, तो उसका प्रतिबिंब अपना जैसे भी बिहेवियर करो, हाँ, तो देख ये अपने आप अरीसा का स्वभाव कैसा है, अपने आप प्रतिबिंब ऑटोमेटिक पड़ता है। वो भरत का शब्द भगवान था, वो भगवान थे, वो अरीश भरत राजा थे, उनके लड़का वो अरीसा भुवन बनाया था। राइट राइट, अरीसा भुवन, यानी कि खुद को देखते थे आईने में, खुद को वो अरीसा भुवन। और बहुत अभी सस्ता हो गया आईना, उसकी रही नहीं। राइट, दादा भगवान ने बताया था आप खुद से बात कैसे कर सकेंगे, तो आप आईने की शीशे की सामने, शीशे के सामने खड़े रहेंगे तो आप फाइल नंबर एक दिखेगी कि नहीं, अपने आप दिखेगी कि नहीं, और वो अलग है, मैं अलग हूँ। महेश भाई, आप प्रज्ञावा प्रज्ञाबेन जो दिखती है कैसी दिखती है, वो यानी कि अपने फाइल नंबर एक को छुटा पाड़ने की प्रक्रिया अरीसा करती है। अच्छा, खुद को कैसे देखेंगे आप? राइट, एक अरीसा भुवन बनाया था चक्रवर्ती भरत राजा ने। हाँ हाँ हाँ, अपने तो घर घर दो दो तिजोरी में अरीसा, वो अरीसा वो किधर किधर। अभी तो आईने के पास नहीं जाते, ये फोन का उपयोग करते हैं। सही, अभी तो वो के उधर जाने का बहुत वक्त लग जाता है, वो जेब में रखते। अब लेडीज फोन को जेब में रखते नहीं, इतना छोटा राउंड आता है, करते बाल बना लेते, उधर से सही कर देते मुखारविंद, यानी कि इतना सस्ता हो गया तो उसकी आईने की कीमत नहीं रही। हाँ, शीशा की कीमत नहीं रही, वो टाइम कीमत थी उसकी, इतनी कीमती मिलता था। हाँ, तो राए, उसका अरीसा भुवन में, इसलिए दादा भगवान बोलते थे ये अरीसा भुवन, यानी कि खुद को शीशा में देखने का, खुद के साथ वो उसके साथ बातचीत करने की, सामने जो अपना प्रतिबिंब दिखता है, फाइल नंबर एक दिखता है, तो बहुत बड़ी बात है। सामने अपने खुद जो फाइल नंबर एक प्रज्ञा में दिखते है, आप किसे बात करेंगे? प्रज्ञा में से बात करने की है तो कैसे करेंगे? तो सामने आईना रख दो, अरीसा शीशा रख दो, ओ प्रज्ञा बेन कैसे है आप, मजा में है, आज्ञा बाज्ञा पालन करते है कि नहीं करते, ऐसी तैसी और आज्ञा का पालन करे तो हाँ शाबाशी भी देना उसको, और नहीं करते तो जरा चेतावनी भी देना, ठपका भी देना, इसलिए ठपका सामायिक बोलते। अच्छा अच्छा, नहीं कि वो तो बहुत बड़ी बड़ा हो गया ठपका सामायिक,
यानी कि अरिता में अपने प्रतिबिंब फाइल नंबर एक को देख के जो भी बात कर, दूसरा कोई होता नहीं है उसमें, दिशा में अपने अल्फा फाइल नंबर एक हम तो, अलग ये अलग। हाँ बोलो। हाँ तो एक्जेक्टली शू वात करवानी एटले ने वात करी एटले पेलू छूटू पाड़ी एवं थयो एटला माटे जितली वात करवी ने ओछी पड़े। आपणे बधा पारका सबके साथ कितनी बात करते तो हाँ। आप गुजराती बोलते तो मैं भी गुजराती बोलने लग जाता हूँ ये हैबिट हो जाती है फिर हाँ, याद आता है कि हिंदी का सत्संग है। राइट राइट। तो जैसे आप कैसे दिखते हैं, आप डिप्रेस है, आपका मुखारविंद कैसा दिखता है, कैसे देखेंगे और सबको अच्छा लगता है खुद को खुद का फेस देखने का, सबको ऐसा ही लगता है मैं अच्छी हूँ और हाँ। अच्छी हूँ ऐसी मान्यता से हम कितना भी बुरा उसका मुखारविंद होता है मगर इतनी बिलीफ कैसे लगते है? मैंने बाल अच्छा बनाया, मैं हैंडसम हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, एक व्यवहार की बात करता हूँ। हाँ, हम मान्यता जैसी होती है इस तरह से एक ज्ञान की अपने जो बिलीफ है ज्ञान की हाँ। मान्यता है कि हाँ। भाई आप कहते हैं कौन सा विचार ज्यादा आता है आपको, बुद्धि कौन सा डिसीजन लेती है, आज्ञा कितनी पालन करते है आप प्रज्ञा बहन, ऐसे जो भी बात करने की है। अच्छा। अपने तो ये ज्ञान का पुरुषार्थ के आगे बढ़ने के लिए बात करने की है उसके साथ। हाँ, हाँ, भी तो, फाइल नंबर दादा भगवान एक से बात करोगे हाँ, ये आईना के सामने बात करने में बहुत इजी हो जाता है। फाइल नंबर के का महत्व है। अच्छा तो दिस इज मोर हेल्पफुल फॉर सेपरेशन या ओके थोड़ा तो 10 मिनट तो निकालो दादा भगवान। ओके okay. नहीं डेफिनेटली डेफिनेटली पूरा दिन उधर आईना के सामने खड़े रहो ऐसा नहीं बोलते आप बाल बनाते टाइम भी वो बातचीत करो ऐसा नहीं okay. है फेशियल गए बाल बनाने के टाइम मुंह हाँ, धोने के टाइम हाँ, चलो हाँ, आपको हाँ. किया शुद्धात्मा देखा प्रज्ञा बहन को पूछना है कितना देखा कितना बाकी रह गया बराबर सर ऐसे ऐसे ज्ञान की बात करने की अभी ज्ञान उसको समझा वो अपने हम गुरु और वो शिष्य ओके तो शिष्य का अपने आप को यानी कि फाइल नंबर को देखते हैं ना तो हम बात करने की मजा आती है। अच्छा एक के बात करते हैं ना तो नहीं क्या करते की या वो ट्राई नहीं करियो कोई दिवस हां या डिप्रेशन होगा तो भी ऐसा बोलना कि हम है तेरे साथ तू क्यों इतनी नाराज गई मुंह क्यों चढ़ गया और आईना तो पूरा जितना मुंह चढ़ा इतना ही देखा दिखाएगा। राइट राइट राइट। खुश होते तो खुश भी महसूस होता है जैसे आईना हाँ उसमें निष्पक्षपाती प्रतिबिंब आईना का तो बहुत महत्व है ज्ञानी के वो अरिशा भवन जो बनाया था स्पेशल बनाया था अपने तो ऐसा अरिशा भवन कैसे बना सकते इतना मेघवारी में और सस्ता भी हो गया हाँ। उपयोग करना उसका ओके sure. ज्ञान के बारे में चलो सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद ओके अरे सॉरी अनुबेन नहीं अभी बेन आपका बीच में कट गया था शायद नहीं है डॉक्टर अभिनव कैन आई आस्क या जस्ट अ मोमेंट आई कम बैक टू यू Okay. हाँ जी स्वामी जी ये पाप नू बन पाप पुण्य नू बन पुण्य इसका क्या अर्थ है क्या पूरा लाइन क्या है सेंटेंस पाप एंड पुण्य नू बन पुण्य समथिंग हाँ
something there. मैं चैनली अगर वो शायद ऐसा होगा पापा नो बंदी पुण्य पापा नो बंदी या बंदी पुण्य नो बंदी पापा या वेरी कॉम्प्लिकेटेड. मैंने खुद लिखा है लेकिन मुझे खुद अपनी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है. सो बराबर है, बराबर है. ये दादा भगवान बोलते हैं, इधर एग्जाम्पल देता हूँ उसके समझने के लिए. ये काल कलयुग की लक्ष्मी कैसी है? पापानुबंधी पुण्य की लक्ष्मी है. इसलिए बैकग्राउंड देता हूँ आपको कैसे है, एग्जाम्पल्स के साथ में लीजिए प्लीज. मैं एग्जाम्पल ही देता हूँ, ये लक्ष्मी का एग्जाम्पल देता हूँ. ओके सॉरी. हाँ वही बताता हूँ, ये एग्जाम्पल दूंगा तो मालूम पड़ेगा ने? ये कार की लक्ष्मी ये एग्जाम्पल है कैसी है? पापानुबंधी लक्ष्मी है, यानी कि लक्ष्मी तो बहुत आई है, जरूर से ज्यादा आ गई है, 3 गुना 10 गुना 25 गुना 50 गुना 100 गुना. पर ये लक्ष्मी आई पुण्य से. ओके. लक्ष्मी जो आती है वो पुण्य से आती है, मगर ये काल की लक्ष्मी कैसी है? पापानुबंधी लक्ष्मी है, पुण्यानुबंधी लक्ष्मी नहीं है. ओके. लक्ष्मी का एग्जाम्पल देता हूँ. लक्ष्मी यानी कि पैदा. या लक्ष्मी कैसी है? पापानुबंधी है, ले पाप का बंधन होता है, पाप का चार्ज होता है, पाप का अनुबंध होता है. लक्ष्मी है बहुत है. तो कलयुग की लक्ष्मी कैसी है? पाप, नया पाप बनाने वाली है, बंधन बंध, पापानुबंध, पाप का वो नया बंध पाड़ते, उसको पापानुबंध लक्ष्मी है. और पुण्यानुबंध लक्ष्मी कैसी होती है? दोनों अलग है, पाप बनाते हैं और वो लक्ष्मी आएगी वो कम है पुण्यानुबंधी लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी तो आई पुण्य से और नया पुण्य उत्पादन करते उस क्या बोलते हैं उसको, नई पुण्य का बंध पारते, यानी कि दूसरे अवतार में भी ऐसी लक्ष्मी होती है वो कम है आखिर युग में, ऐसे बोलते है पुण्यानुबंधी. ऐसे पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य. ओके. उस हाँ पहले तो समझ गए, अभी तो और समझाता हूँ. जी. पुण्यानुबंधी पाप, अभी पाप का उदय है, लक्ष्मी कम है, खाना पीना सब बहुत पाप का उदय है. पूर्व अवतार में जो भी दुरुपयोग किया है उसका रिजल्ट अभी कम है. लक्ष्मी खाने पीना रहना जो भी कितनी मेहनत करते जो भी पैसा कम आते है और पूरा घर हम चलाते नहीं है, पाप का उदय है. मगर अंदर ये भावना कैसी करते है, कैसे मेरे पास पैसा आवे तो मैं दूसरे के लिए वापरू, हॉस्पिटल के वापरू, एजुकेशन के लिए वापरू, दादा के काम के लिए वापरू, यानी कि नया उत्पादन क्या करते है, पुण्य का करते भाव. अभी उदय में तो लक्ष्मी है नहीं उसको, पर पुण्यानुबंध बंध यानी कि पुण्य का नया पुण्य बनता है. और पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप, वो दोनों पुण्यानुबंधी पाप नया पुण्य बनता है जो भाव करते ना मेरे पास लक्ष्मी. और पापानुबंधी पुण्य यानी कि पुण्य करता है बहुत दान करता है बहुत उसका परोपकार करते मगर दान करते वो करते वो करते मगर अंदर चीटिंग अंदर होता है कि किस तरह से मैं 1,00,000 रुपया दिया 10,00,000 में उसका वो मेयर को बोले कि भाई आप इतना दान देते 10,00,000 दिया, वो मेयर का फोन आया था और मेरी जमीन ऐने हो जाएगी ये हो जाएगा इतना मेरे को 10,00,000 लेता हूँ उसके सामने तो मेरे को 1 करोड़ का फायदा होने वाला है. काला धोला करके वो पाप बनता है और लास्ट भाव में उसने भावना किया था उसका फल आया. जो भी होता है कॉज और इफेक्ट का होता है, पर नया भाव क्या करते है उसको चीटिंग करके ऐसा बना दू. बाहर तो दिखावा दान देने का होता है और दान दिखता है, पर दान देने का वो उदय आया, पर दान देने के टाइम अंदर मैं कितना कमा लू उसमें से. अच्छा. वो जो चीटिंग का अंदर रहते है ना लालच, पाप बनता है पापानुबंधी.
એટલે પાપ થયા બનતા હે તો ધેટ ઇઝ પાપાનું બંદી પાપ નો હા રિવર્સ હે દોનો પુણ્યાનું પાપ ઓર હા પાપાનું બંદી પુણ્ય ઓકે હા જ્યાં બંધ પહેલે આતા ને બંદી આતા ને પુણ્યાનું બંધ એટલે કે પુણ્યાનો વો નયા કર્મ કા જો બનતા હે ઉસકો બંધ બોલતે પુણ્યાનું બંધી એટલે કે નયા પુણ્ય બનતા હે હા તો કોણ થાય પાપ એક પુણ્ય હે હમ પાપ હોગા તો પુણ્યાનું ઓ બંધ કોણ સા પડતા હે પાપ કા હે તો દૂસરે ભવ મે ઉસકો ભોગતના પડેગા હમ બંધ પુણ્ય કા પડતા હે તો દૂસરે ભવ મે પુણ્ય ભોગતના પડતા હે હમ હા નહીં એની કે સામાન્ય કે આપ જો ક્રિયા હો રહી હે એ પૂર્વ કા ઉદય કર્મ સે આપ પૈસે આયે કે જો ભી કુછ અચ્છા હુઆ કિતના ભી કામ અચ્છા દૂસરે કી સેવા મે લગે તન મન ધન સે મગર આપકા નયા જે ભાવ બીજ હોતા હે વો અંતસ્કરણ મે બોલ અંદર ક્યા આપકી લાલચ હે અંદર આપકા આશય ક્યા હે પીછે ક્રિયા ઓ પૂર્વ કા ઉદય કર્મ કે આધીન હે મગર કે પીછે જો આશય રહેતા હે ને મે ઉસકો ચિટ કર લુ મુજે ચિટ નહી કરના હે इसमें बताए ना वो गरीब है पैसा कम है मगर अंदर से भावना उसकी बहुत अच्छी होती है कि अगर वाला नहीं है उसके पे नया कर्म का बीज इंटेंशन पे कर्म का बीज होता है हाँ समझ में आया थोड़ा बहुत हाँ जी हाँ जी क्या आप कहें जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद क्लियर या जय सच्चिदानंद जय डॉक्टर कश्यप जी जय सचिन वो आप इसमें आपको मैंने भेजा है पोस्टर स्थूल हिंसा बाधक नहीं है सूक्ष्म हिंसा बाधक है इसके बारे में थोड़ा इसलिए बताया नहीं दादा भगवान की मन थी हाँ तो सूढ़ हिंसा बाधक नहीं है सूक्ष्म हिंसा बाधक है जो दिखती है बाहर से जी। बाहर से क्या दिखता है वाणी दिखती है काया दिखती है मन नहीं दिखता है बुद्धि नहीं दिखती है वो सूक्ष्म है तो ज्यादा बच्चे के साथ बात करते कि हाथ से मारना लाकड़ी से मारना हाथ से मारना के मन से मारना कौन सा जोखम है मन से किसी सत्संग में बात करते है ना बच्चे के साथ हाँ तुम अंदर सूक्ष्म यानी कि मन बुद्धि अभी बाहर से तो बहुत अहिंसा भी अरे हिंसा भी नहीं करते लोग अहिंसा परमो धर्म बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते मगर सूक्ष्म में क्या है दूसरे को चीट चीट कर लू दूसरे का हाथ पांव तोड़ लू दूसरे को जो भी करो यानी कि बाहर दिखने वाला अच्छा है तो हम चेतते रहेंगे व्हाइट कॉलर जॉब नहीं बोलते व्हाइट कॉलर जॉब देखने में अप टू डेट और अंदर तो इनका इतना सूक्ष्म हिंसा होती है अब ये काल में है ये सूक्ष्म हिंसा बहुत बढ़ गई है सूढ़ हिंसा तो बराबर है ही एक कलयुग में और साथ साथ में सूक्ष्म हिंसा बाहर दिखने में दिखते है तो हम उसका उपाय भी करते उसके सामने जो भी प्रोटेक्शन करना है मगर अंदर ने उसका दिखा दू रिट्रीट फॉर ट्रेट बता दू वो अंदर का हिंसक भाव उस सामने वाले को दिखता नहीं है अगर स्थूल हिंसा जो दिखती है तो उसका इलाज भी सामने वाला करेगा कि कुछ अपने भी करेंगे मगर अंदर सूक्ष्म ऐसा होता है खुद को दादा भगवान बोलते हैं खुद की भूल खुद नहीं दे सकते थोड़ी थोड़ी स्थूल भूल चली जाती है क्योंकि जगत के डर से भी हम थोड़ा रहते ये भूल तो नहीं होनी चाहिए नहीं करने की मगर सूक्ष्म भूल वो भी निकालना है सूक्ष्म हिंसा हाँ मन से जो होती है वो सूक्ष्म बोलते और वाणी और काय से होता है स्थूल बोलते तो स्थूल तो कोई बताएगा भी भाई ये चिल्लाते क्यों आप ऐसे व्यवहार क्यों करते
तत्वम सुदन मन से भावना गलत आ जाता है, यही जो है सबसे हाँ वही बोलते हो तो मन से होता है, मन वचन काया तीन हथियार है, वेपन से वो उस टाइम भूल जाता है कि वो आगना वगना सब भूल जाती है, उस टाइम ऐसे विचार आता है एकदम से आता है और फिर उसमें एकदम से वो रिएक्शन होता है जो है। हाँ इसलिए मन वचन काया तीन वेपन से तो समझ में आया। हाँ और सबसे वेपन कौन सा जोखिमदारी है मन, वो मन वचन काया, काया और वचन स्थूल है इसलिए बोल रहे मन थी पण कोई ने मारसो नहीं, मन से भी किसी को मारना नहीं, वो अहिंसा मन थी पण किसी को मारना नहीं, मन में भी किसी को मारने का ऐसे तो धर्म में ये स्थूल हिंसा बताई गई है, सूक्ष्म हिंसा सूक्ष्म अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, स्थूल तो सब लोग करते ये छोड़ो ये छोड़ो ये हिंसा छोड़ो ये छोड़ो, थोड़ हिंसा उदय के कर्म के अधीन हो और सूक्ष्म हिंसा पुरुषार्थ अपना, बहुत बड़ी बात है सूक्ष्म हिंसा का बहुत महत्व है। दूसरे अवतार में वो नया बीच का कर्म का बंधन होता है सूक्ष्म हिंसा। हाँ बहुत बड़ी बात है सूक्ष्म की बात तो सूक्ष्म अहिंसा रखने की। हाँ बोलिए 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 समझ आया। एक और मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो है सिमंदर स्वामी की प्रार्थना और वो उसमें होता है ना, उसमें बताते हैं ना कि ये अपने वो लाइन है ना कि आप एवी कृपा वर्षावो कि जेथी करीने मने आप क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि समान कोई ज्ञानी पुरुष नो तत् समागम थाए एमनो, मतलब ऐसे बोलते है ना। तो इसका 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 थोड़ा अर्थ बताए कि मतलब कि हम क्या ज्ञानी पुरुष की अभी मतलब हमको अगले जन्म में ज्ञानी पुरुष मिलेंगे ऐसे भावना करने से, यानी कि सिमंदर स्वामी को प्रार्थना हम करते करते हैं, सिमंदर स्वामी हाजरा हजूर भगवान है बराबर है। हाँ हाँ तो हाजरा हजूर भगवान है तो मेरी बात सुनेंगे ना। हाँ पर सिमंदर स्वामी की आपको पहचान नहीं है, हम इसलिए तो दादा भगवान की साक्षी में उनके नमस्कार करते उनकी भक्ति करते, वो वाया वाया है तो हम सिमंदर स्वामी से प्रार्थना करते ऐसे ज्ञानी पुरुष ऐसे मिले जो मुक्त पुरुष है, कैसे है दादा भगवान जैसे ज्ञानी मिले। तो ये भावना करने से इसका परिणाम हमको मतलब अगले भाव में जो है दादा जी जैसे अनिपुरुष मिलेंगे ऐसा है। हाँ तो दादा भगवान बोलते हम कहाँ भी जाने वाले नहीं है, आपका मोक्ष तक अनुसंधान कर दिया है, आपको दादा भगवान नहीं मिले ये अवतार में बराबर है, पर ये पांच आज्ञा वही दादा भगवान है सबके लिए, आपके लिए नहीं है। हमने तो सुर में दादा भगवान को प्रत्यक्ष देखा है मगर अपने लिए अभी दादा भगवान स्थूल दे नहीं है ये सूक्ष्म, इसलिए बोलते हम सभी के हृदय में बैठ जाएगी, हम सभी के शुद्धात्मा में है, शुद्धात्मा वही दादा भगवान है, पांच आज्ञा वही दादा भगवान है। तो आप सिमंदर स्वामी से प्रार्थना क्यों करते ऐसे प्रतिनिधि, कैसे प्रतिनिधि दादा भगवान जैसे प्रतिनिधि, तो ऐसे अनुसंधान किसने था वो बात आपकी सही है कि सूक्ष्म रूप से दादा जी हैं, लेकिन ये जो भावना करते हैं इसकी इसका परिणाम जो है हमारे को स्थूल रूप में भी जो है मतलब अगले भाव में ज्ञानी पुरुष मिलेंगे ऐसा ऐसा होगा। बात वही वही मैं बताना चाहता था, किसी ने पूछा दादा भगवान आप दूसरे भाव में कैसे मिलेंगे, हम ये भाव में तो मिले, किसी ने दादा भगवान को पूछा था ये भाव में तो मिले तो दूसरे भाव में आप कैसे मिलेंगे, तो दादा भगवान ने क्या जवाब दिया, ये भाव में जो हमें आप मिले, आप मुझे ढूंढने नहीं आए थे, मैं आपको ढूंढ लिया। अच्छा। मैं आपको प्राप्त, तो दूसरे भाव में भी ऐसे संजोग बन जाएंगे। अच्छा। मैं आपको सबको ढूंढ के जो दादा की आज्ञा पालते हैं, दादा भगवान की भक्ति करते है, अपने दादा भगवान को ढूंढने नहीं जाना, जैसे महावीर क्षेत्र में जैसे सिमंदर स्वामी के पास जाना है
तो हम नहीं जाएंगे, हम वो क्षेत्र के लायक हो गए तो क्षेत्र हमें खींच लेंगे। यानी कि वो जाना आना आपकी बात नहीं है, वो परिणाम है। वो दादा भगवान दूसरे भाव में मिलना वो परिणाम है। हाँ, तो दूसरे भाव में भी जो है दादा भगवान हमको मिलेंगे जो ऐसा हम भावना करें ना। वही तो दादा भगवान ने बताया, आप में मुझे कैसे ढूंढेंगे, ये अवतार में आपने कहां से हम मुझे ढूंढा, मैं सबको पकड़ पकड़ के ऋषभ देव भगवान से हम साथ में ही थे। अच्छा, एक एक को मैं आपको ढूंढ के मेरे पास लाया हूँ। अच्छा। आपकी कौन सी बुद्धि है ढूंढने जाएंगे मुझे? नहीं, वो हमको ढूंढ लेंगे, मतलब हमको मिल जाएंगे ना ये इस भावना करने से, इसका परिणाम ये होगा ना। जैसी आपकी भक्ति, जैसी आपकी लगन, जैसी आपकी तीव्रता, ये पांच आज्ञा और अक्षर विज्ञान, वही परमाणु दादा भगवान। वो बोलते दादा भगवान कोई चीज नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है दादा भगवान। वही ज्ञान तम आपको इकट्ठा अपने आप, दादा कोई व्यक्ति नहीं है। वो तो एम पटेल को तो जला दिया, कोट टोपी वाले को तो अग्नि संस्कार हुआ केलनपुर में। दादा भगवान आपको मिल जाएंगे, ज्ञान स्वरूप है दादा भगवान, ये ज्ञान साथ में आएगा। दीपक आनंद जी, आप क्या बोलते हैं इसमें कि हमको अगले भाव में दादा जी मिलेंगे, ऐसे ऐसा ऐसा भावना करने से? अच्छा, पूछा था लोगों ने, दादा भगवान को पूछा था कि दादा ये जन्म में तो आप मिले, हमारा काम हुआ है, तो आगे हमारा क्या होगा? तो दादा भगवान ने बताया था, अक्रम विज्ञान का कैप्टन मैं हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा, आप बस मेरी आज्ञा में रहना, ऐसा बताया। बाकी हमको जैसा जैसा जरूरत होगी वैसा आपको मिल जाएगा, ऐसा? ऐसा जरूरत नहीं, दादा ने कहा मैं ढूंढ निकालूंगा आपको। अच्छा, हमारा मोक्ष, हमारा मोक्ष की तरफ जो है वो साथ में, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मैंने ली है, ऐसा बताया। जिन्होंने दादाजी को प्रत्यक्ष नहीं देखा उनकी भी जिम्मेवारी दादाजी ने ली है? बिल्कुल। आपको शंका होती है? ऐसे नहीं, शंका नहीं होती। शंका शंका होगी तो ऐसा बताया, संशय आत्मा विनश्यति। हाँ, वो तो है। हाँ, शंका करने की जरूरत क्या है, निशंक ज्ञान मिला है आपको, शंका नहीं है कि मैं शुद्धात्मा नहीं हूँ करके। ये विचार आता था जब भी ये प्रार्थना करता हूँ तो विचार आता है कि हम जो हमको दादाजी ये बोलते तो है ना कि हमको आपके जैसा जो है, मतलब आपका प्रतिनिधि सम्मान जो है, दादाजी जैसा प्रतिनिधि सम्मान हमको मिले, तो मतलब हमारे को ये होता है मन में कि मतलब कि हमको दादाजी जो है प्रत्यक्ष मिलेंगे कि सूक्ष्म मिलेंगे, ये होता है जो है। ऐसा है ना, जिनको महावीर भगवान मिले उनको ऋषभ देव भगवान मिले कि नहीं मिले, ऐसा मैं कह नहीं सकता, लेकिन हो सकता है मिले, मैं ऐसा अनुमान लगा। जिनको ऋषभ देव भगवान मिले जिन्हें वो मोक्ष में गए, और जिनको महावीर भगवान मिले वो भी मोक्ष में गए। हाँ। तो उसका मतलब क्या हो गया? क्या हो गया कि जिनको महावीर भगवान मिले ना उनको भी ऋषभ देव भगवान ही मिले, मतलब उन्हीं का उन्हीं के जैसे, मतलब वही पानी है, वही वितरण विज्ञान है। अच्छा, ऐसा। ये महेश जी, ये आपका खुद का विज्ञान है क्या? नहीं, दादा भगवान का विज्ञान है ना। बस फिर क्या प्रश्न है, वो अपना कुछ नहीं बताते, वो दादा भगवान का ही बताते हैं। वितरण विज्ञान जो दादा भगवान के हृदय में था, और हमें वो ज्ञान मिलने पर हम भी उनकी आज्ञा पालन करते करते उनके हृदय रूप होते जाते हैं। ऐसा है। धन्यवाद। देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये महात्माओं के घर में जो बच्चे आते हैं उनको दादा भगवान मिल जाते हैं कि नहीं, ऐसे ही? हाँ, ये बात है, समझिए। अच्छा, ऐसा हाँ, लिंक मिल जाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही सच्चिदानंद, हमारा समय हो चुका है, आप महेशान जी, आप त्रिमंत्र बुलाए। हाँ हाँ, नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम,
નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વસાયાણમ નમો વસાયાણમ નમો લોયે સવ શાહુણમ ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो तौवपावप्पणासनो तौवपावप्पणासनो मंगलानं च सौवेसि मंगलानं च सौवेसि पड़वाम हवै मंगलम पड़वाम हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद।